एवरी वन मैं हूं मुग्धा वेलकम टू इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट आज मैं जिस मूवी का रिव्यू करने जा रही हूं वो है द टर्मिनल सन 2004 में रिलीज हुई इस फिल्म को डायरेक्ट किया है हॉलीवुड के काफ़ी जाने माने वर्सेटाइल डायरेक्टर स्टीवन स्पिलबर्ग ने कहानी की शुरुआत होती है यूएसए के जे के एयरपोर्ट से जहां विक्टर नवोर्स की नाम का आदमी क्रकोशिया से वहां पहुंचता है मगर वहां उनके पासपोर्ट को इनवैलिड माना जाता है और इसकी वजह पता चलती है एयरपोर्ट के कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑफिसर डिक्सन से दरअसल जब विक्टर यूएसए पहुंच रहे थे तब उनके देश क्रकोशिया में एक सिविल वॉर छिड़ गई वहां के राजनीतिक असंतुलन के कारण यूएस गवर्नमेंट डज नॉट रिकॉग्नाइज द न्यू गवर्नमेंट ओवर क्रकोशिया सो विक्टर इज़ कंसिडर्ड अनएक्सेप्टेबल टू अमेरिका एंड इज़ नॉट अलाउड टू एंटर इन द कंट्री और सिविल वॉर के कारण सारी आने जाने की फ़्लाइट्स को भी रद्द कर दिया जाता है जिसके कारण विक्टर वापस अपने देश भी नहीं जा सकते विक्टर की एक समस्या और है कि वह अंग्रेज़ी बोलना नहीं जानते तो उन्हें काफ़ी वक्त लगता है ये समझने में कि जब तक उनके देश की हालात सुधर नहीं जाते तब तक उन्हें एयरपोर्ट पर ही रहना पड़ेगा सो बेसिकली विक्टर गेट्स टक इन द एयरपोर्ट एंड इन दिस ह्यूज सिचुएशन ऑफ क्राइसिस एनी नॉर्मल ह्यूमन बींग वुड हैव पैनिक एंड माइड इवन गिव अपट सर्टन पॉइंट आप ख़ुद को ही ले लीजिए अगर फ्लाइट दो से चार घंटे भी डिले हो जाती है तो भी वक्त निकालना मुश्किल सा हो जाता है पर विक्टर सिचुएशन में हार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हर दिन आने वाली समस्याओं के हल ढूँढने लगते हैं लाइक टू स्लीप ड्यूरिंग द नाइट टाइम ही मर्जेज बेंचेज टू फॉर्म अ बेड

विक्टर एयरपोर्ट पर कई बार लोगों की मदद करते हैं और अपने मासूम मददगार और फ्रेंडली बिहेवियर के कारण एयरपोर्ट में काम करने वाले लोगों को दोस्त बना लेते हैं कहानी में एक रोमांटिक एंगल भी है विक्टर अमेलिया नाम की एक एयर होस्टेस से कई बार एयरपोर्ट पर टकराते हैं और कई बार उनके बीच बातचीत भी होती है विक्टर कैरीज ओ पीनट कैन विद हिम एंड एवरी वन अराउंड हिम गेट्स क्यूरियस अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज इंसाइडेड अगर आपको जानना है कि उस डिब्बे में आखिर है क्या या क्या विक्टर एयरपोर्ट में सर्वाइव कर पाते हैं क्या विक्टर और अमीलिया के बीच प्यार बढ़ता है क्या विक्टर को टर्मिनल के बाहर निकल अमेरिका में जाने का मौका मिलता है क्या विक्टर अपने देश लौट पाते हैं ये सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी टर्मिनल आपको कई मौकों पर हंसएगी और कई जगह आपकी आंखों को आंसुओं से भर देगी हाँ कई जगह ये कहानी अनरियलिस्टिक सी भी लगने लगती है विक्टर के किरदार का कुछ ज्यादा ही अच्छा मासूम और हैप्पी होना एंड द फैक्ट की वी आर नॉट इवन गिविन मच इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज बैक and एंड हिज his हिज कैरेक्टर gets गेट्स अ लिटिल and एंड at एट पॉइंट्स मगर मूवी की काबिल तारीफ़ cinematography और खूबसूरत बैकग्राउंड म्यूजिक ऑडियंस की अटेंशन को बांध के रखता है फिल्म की खूबी बीच के छोटे छोटे इंटरेस्टिंग सब प्लॉट से है जिसके थ्रू ये फिल्म क्राइसिस मैनेजमेंट सर्वाइवल पेशेंस मोटिवेशन जैसे कई सारे पहलुओं को सामने रखती है This movie is loosely inspired by the real life story of a guy named Mehran Karim Naseri an Iranian refugee who was stuck on the Charles de Gaulle airport for about 18 years yeah mukhy Bhoomika mein hai Tom Hanks and his performance is outstanding even though his accent gets a little bit here and there but his way of walking his hand and body gestures and expressions are on point Supporting cast with Stanley Tucci, Katrina Zeta Jones, Diego Luna, Kumar Palna, etc. gives a nice performance as well. In conclusion, the terminal is funny with hints of romance and a lot of emotions. You can catch this movie on Netflix in both English and Hindi language. Thanks a lot for watching this review.